जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, बेखौफ दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। दबंगों ने युवक को पिस्तौल लगाकर दी जान से मारने की धमकी। जालौन में कोच कोतवाली के गांव भदेरवा का है मामला। पीड़ित शिवम पटेल ने कोतवाली पहुंचकर दिया प्रार्थना पत्र। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर कोच कोतवाली के ग्राम सभा भदेरवा के रहने वाले शिवम को बेखौफ बदमाशों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। अपनी शिकायत लेकर जब शिवम पटेल कोच कोतवाली पहुंचे तो पुलिस ने शिवम पटेल का मेडिकल कराने के बाद आरोपी निहाल द्विवेदी को पकड़ लिया। कोच पुलिस ने आरोपी निहाल द्विवेदी के साथ पीड़ित युवक शिवम पटेल का भी 151 में चालान करके अपना पल्ला झाड़ लिया। जालौन से ये खबर हमारे संवाददाता अली जावेद ने कवर की है। सर मैं घर पे सर लेटा हुआ था सर, मेरा एक दोस्त है मोहल्ले का निहाल द्विवेदी सर, वो मेरे घर पे आया, बोले यहाँ गर्मी है चलो मंदिर के पास बैठते हैं। तो फिर मंदिर के पास ले गया, वहाँ से कहने लगा चलो स्कूल के पास बैठते हैं। तो मैं स्कूल के पास चला गया सर, वहाँ सर उसके सर उस चार दोस्त थे सर, वो मुँह बांधे हुए थे, उन्होंने सर हॉकी स्टिक से सर मुझे मारा पीटा और सर मेरी चेन निकाल ली गले की और 16,000 रुपये निकाल लिए, और दो लोगों ने मेरे ऊपर पिस्टल लगा दी और कहने लगा किसी से कहा तो फिर हम बताएंगे तुम्हें, और मुझे सर बहुत मारा, फिर हम बेहोश हो गए सर, 2-3 घंटे वहीं टले रहे, और फिर मुझे सर हॉस्पिटल ले जाया गया सर, और फिर सर हम एप्लीकेशन देने आए, अब सर न्याय की उम्मीद है सर। सर उन्होंने हॉकी से पीटा, पहले पिस्टल लगा दी थी सर पहले, और कुछ करना नहीं होता, सब कुछ कर भी नहीं पाए, वो लोग सर मारते पीटते रहे, हम बेहोश हो गए सर पीटते पीटते। हाँ सर पिस्टल चलाने वाले थे सर, फिर वो लोग आ गए तो फिर लोगों ने कुछ देखा तो इसलिए कुछ नहीं कहा। फिर सर वो लोग 5 लोग थे, वो निहाल में ला के 5 लोग थे सर। हाँ एक को पहचानते क्योंकि सर वो मेरे पड़ोस में ही रहता सर। हाँ सर दोस्ती का संबंध है सर, वो अक्सर यहाँ सर उरई में रहता सर, वो यहाँ गांव में अक्सर आता था हर टाइम पे, तो बुलाता तो हम चले जाते सर, उसने आराम से लाया था और 1 घंटे मेरे पास ही बैठा रहता था, तब वहाँ पे गया सर वो। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।